What's up everyone? This is Heather Kazmi. And this is Tanya Kazmi. Welcome to an amazing video of Desi Agent Reacts. दिए से दिया जलाओ एड है एक एचपी का तो जिसका हमारा लैपटॉप है कंपनी का तो वेल ये दिवाली के ऊपर आया गया। सबसे पहले तो हमारे जितने भी हिंदू फॉलोअर्स हैं आप सबको हैप्पी दिवाली। एक दिन या दो दिन पहले गुजरी है, इंडिया पाकिस्तान में डेट आगे पीछे हो सकती है। वेल ये इसी वीक में थी, हाँ मतलब ये नहीं जब ये वीडियो जाएगी उस वक्त ना, आज तो चलो है हैप्पी दिवाली आप सबको। लेकिन हम लोग ये वीडियो देखने वाले हैं, एक एचपी का एक ऐड है, इसकी मुझे काफी रिक्वेस्ट आती है आप इस ऐड के ऊपर रिएक्ट करो। तो मैंने कहा चलो इस देखेंगे आज क्या होने वाला है, वो देखेंगे ना क्योंकि काफी मिलियंस में व्यूज एक ऐड के चले गए। एचपी की इतनी प्रमोशन हो रही है, उन्होंने किस तरीके से क्या दिखाया इस ऐड में, क्या डिलीवर किया, वो हमें इस ऐड से पता चलेगा। लेकिन ऐड को प्ले करने से पहले जो हमारे चैनल के ऊपर न्यू व्यूअर्स आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर दें। और याद है मतलब मुझे दिवाली में बहुत एक चीज अच्छी लगती है ना, जिस तरीके से वो इन्होंने लिखा ना दिए से दिया जलाओ, जो दिया जलाते हैं एंड जो लाइटिंग होती है और जब पटाखे जलाए जाते हैं, ओह माय गॉड दिस इज सो अमेजिंग। अगर बात की जाए पटाखे जलाने की, हम लोग यहाँ पे फेस्टिवल जैसे कोई ईद आ गई या फिर शादियां आ गई, शादियों में तो दिए और मोमबत्तियां तो लाइटें, तो ये मतलब एक वो शादी वाली एक फील आ रही होती है, खुशी का एक एक्साइटमेंट, एक चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आ जाती है, तो वो चीज लाइटिंग वगैरह देख के। तो आज हम देखने वाले इस ऐड को, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स प्ले द ऐड। आप टेंशन ही मत लो, शाम तक हो जाएगा। अरे हां भाई, इस दिवाली अपने गली के जगमग टॉप की होनी चाहिए। अरे प्रकाश भाई आप बस देखते जाओ, मुझे तो ये फीलिंग है कि इस दिवाली अपना सबका बिजनेस चमकेगा। क्या बात, बस अपना वो पटेल अंकल का सोचकर थोड़ा बुरा लग रहा है। क्यों क्या हो गया? यही साल मिला इनको बिल्डिंग तोड़ करके नई बिल्डिंग खड़ी करने को। कुछ ही महीने की बात है ना अंकल, जब नई बिल्डिंग बनेगी तब आप वापस आओ। कुछ ही महीने की वो चक्की को लग करके जो पतली गली है ना उसके पीछे जगह मिली है, कौन सा कस्टमर आएगा उसको ने खांचे पे बता। पिछले साल ऐसे ही निकल गया और ये साल एक नई मुसीबत। लाइए अंकल मैं चल चल रहने दे, तुम लोग मनाओ अपना हैप्पी दिवाली, मैं अपना दिवाला खुद ही संभाल लूंगा। अरे क्या कर रहे हो भाई, दिए से दिया जलाओ ना यार। दिए से दिया जलाओ। वो पकड़ के ना दिए से दिया जले हो जगमग है जब दिल में तेरे, बाहर क्यों रहे अंधेरे। दिखे किसी की बुझती आस जो जल उठेगी दिल में फिर से, वो जो तू दर्द उसका सुने। इस लोकेशन के ऊपर वाकई में ये कहता है ना कि वक्ती तौर के लिए कुछ महीने के लिए जो यहाँ पे शॉप में विष्णु कस्टमर आएगा। विष्णु स्कूटर का चाबी दे, पे घर जा रहा हूँ अंकल। ओ हाँ, 6 संतरा और 3 मौसमी पार्सल आ गया सर। 3 मौसमी कर दो और 6 आना दो, गंगा जमुना दे देना। विष्णु ये ले पार्सल अंकल, सुनिए ना 5 बनाना इधर। सैंडविच वैंडविच नहीं मिलने वाला है, जूस तो मिलेगा ना। तुम्हारे हाथ में क्या है दिखाओ। ये बर्गर बॉयज है तो नहीं करते सैंडविच वैंडविच। ये किधर से मिला तुमको? यही मार्केट से मिला, क्यों? अरे अंकल आप कहाँ चले? तू गल्ला संभाल मैं पता लगाता हूँ। कितना वेटिंग है? 5 मिनट है सर, आप एक काम कीजिए तब तक ये फ्री जूस ट्राई कीजिए। अच्छा
मतलब अपनी बहुत बढ़िया जूस है। पटेल जूस कॉर्नर ट्राई करके देखो बॉस, चक्की वाली गली में, शहर का नंबर वन जूस। क्या हो गया विष्णु, कॉल करके बुलाया तूने मुझे? अरे आ गए। किसका आइडिया था ये? अंकल मैंने 30 साल से मैं अकेले ये धंधा चला रहा हूं, मैंने सोचा भी नहीं था मुझे ऐसे पार्टनर्स भी मिलेंगे। हैप्पी दिवाली अंकल। रोशनी तभी बढ़ती है जब दिए से दिए जलते हैं। इस दिवाली आप भी किसी का दिल रोशन करो। ओके हाउ अमेजिंग। ये अब मुझे टैगलाइन समझ आई है, दिए से दिया जले। अपने इस बिजनेस से उनका बिजनेस जलाओगे तो सारे दिए जलते ही जाएंगे। और ये इसी तरह, ओ माय गॉड, बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया है एचपी का। जिस तरीके से इन्होंने एचपी ने एक मार्केटिंग अपने ब्रांड की है कि वो जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती हैं वो एचपी के कंप्यूटर पे तैयार की जाती है और एचपी के प्रिंटर से वो प्रिंट होकर आती है। और जिस तरीके से मतलब वो, क्योंकि वो ये आइडिया ही होता है ना, अंकल कहते हैं कि मेरी शॉप बैक एरिया में चली गई तो कोई कस्टमर नहीं आएगा, तो ये जो मार्केट के जो फ्रंट लाइनर्स वाले होते हैं तो वो मेन्यू उठा के, हाँ तुम क्या कह रही थी? मैं कह रही थी ना, वो तो बल्कि जब आते हैं अपनी शॉप पर वो न्यू माल पे, वो तो फटाफट जाने लगते हैं, वो कस्टमर जाने लगते हैं। यस यस, ये मतलब उनकी भी एक स्ट्रेटजी होती है। अगर मतलब फ्री जूस का मतलब ये था कि आप हमारी शॉप पर आए, देखें, कुछ पसंद करें, और एटलीस्ट और कुछ पसंद नहीं आता तो आप कम से कम जूस से पी के जाएंगे ना। तो ये उनकी एक स्ट्रेटजी होती है कि इतनी देर में, जितनी देर वो शॉप पर एक कस्टमर रहता है ना, तो एटलीस्ट वो कुछ ना कुछ देखता है, कुछ चीज पसंद आ जाती है, खरीद लेता है। अगर बिल्कुल सब खरीदता नहीं भी है ना, तो वो जाके किसी को बताता है, यार यहाँ पे फ्री जूस मिल रहा होता है। यानी उस शॉप की एक प्रमोशन हो रही होती है, उस एक बंदे को एक जूस का ग्लास बिजनेस वालों के लिए नथिंग है, उनके लिए कोई मैटर नहीं करता। बट ये है कि वो जिस तरीके से एक प्रमोशन जा रही है ना, और वो जूस की तरफ से आ रहा है पटेल जूस वालों से, उनकी भी हाफ हाफ पार्टनरशिप है। बहुत अच्छा एक आइडिया दिया है एचपी ने, और ये एक दिवाली के ऊपर एक पॉजिटिव मैसेज है कि अगर मतलब ये वही है ना कि हाँ मतलब हाँ दिए से दिया जलाओ इस, तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब इसको एक्सप्लेन में नहीं कर पा रहा, होप कि मैं सही से एक्सप्लेन और पोर्ट्रेट कर पा रहा हूँ, बट समझ इनर साइड आ गया कि इसका क्या मैसेज है, कि मतलब जो अगर कोई मुश्किल में आए तो आप उसका फायदा भी कर रहे हो और साथ आपका भी फायदा होगा, लेकिन इस तरीके से करो कि ऐसा हो कि दोनों का फायदा हो, तो दिए से दिया जलाओ, अब समझ ही जाएगा। वेल, आपका क्या ओपिनियन है? और सबसे पहले आप सबको मैंने हमने बोल दिया हैप्पी दिवाली, लेकिन अगेन हम आपको विश करना चाहेंगे हैप्पी दिवाली। और होप्स के वीडियो जो है ना एक दो दिन आगे पीछे आ सकती है, वो हमें नहीं पता कि ये किस डेट को जाएगी, लेकिन आज दिवाली है। तो आप लोग अपना ओपिनियन हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना, इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड सब्सक्राइब करते वक्त प्रेस दी बेल आइकन ऑल पर क्लिक करने। सो गाइस, मिलते हैं हम अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, टेक केयर।